पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कहते हैं जिसके पास पैसा होता है वो पृथ्वी का भगवान होता है, लेकिन आज भी लोग इस बात को मानते नहीं क्योंकि उन्हें अपने इष्ट देवताओं पर भरोसा होता है। तो वहीं इस देश के संविधान को लोग पूजते हैं। मुरादाबाद में भी एक दौलत के भगवान, या यूं कहें कि मुरादाबाद की प्रसिद्ध हस्ती जो पैसे के बल पर गरीबों की आवाज को दबाना जानती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद के प्रसिद्ध फर्म स्वामी की, जिन पर क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा नगर निगम की जमीन को जबरन कब्जाया जा रहा है। लाकड़ी फाजलपुर में लंबे समय से नगर निगम की जमीन और क्षेत्रीय लोगों के आने जाने वाले रास्ते पर कब्जा करने का मामला चला आ रहा है, लेकिन अभी तक ना तो निगम प्रशासन और ना ही पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर कोई कार्यवाही ही की जा रही है। भूमाफियाओं के द्वारा नगर निगम की जमीन पर कब्जा तो किया जा रहा है, वहीं गांव के लोगों का रास्ता भी बंद करने का प्रयास जारी है। ताजा मामला मुरादाबाद के लाकड़ी फाजलपुर गांव का है, जहां पर नगर निगम के तालाब को मुरादाबाद के प्रसिद्ध निर्यातक द्वारा कब्जा किया जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि फर्म के मालिक द्वारा निगम अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत से निगम की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा इस पर शिकायत कर दी गई। अनेकों बार निगम प्रशासन से शिकायत के बावजूद भी भूमाफियाओं के ऊपर कोई भी जू नहीं रेंग रही है। अब देखना होगा निगम प्रशासन ये जानने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही करेगा या फिर निर्यातक के रसूख के चलते निगम और पुलिस प्रशासन आंखें मूंद कर यूं ही शांत बैठा रहेगा। इस तरीके से अभी एक शिकायत भी चल रही है और लगातार जमीन को कब्जाने का मामला चल रहा है, क्या है ये मामला? ये है कि हमारा यहाँ पर हमारे क्षेत्र के अंदर लाकड़ी में मुस्लिम आबादी रहती है और मुस्लिम आबादी का यहाँ पर बरसों से एक कब्रिस्तान है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति मुस्लिम समाज का अगर कोई ख़त्म होता है तो उसके लिए एक रास्ता आता था, जिसको यहाँ पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा बंद किया जा रहा है। और भूमाफिया क्या, जो डिजाइन को वाले जो मालिक हैं, ये लोग उस रास्ते को बंद कर रहे हैं और इसी को लेकर हम लोगों ने शिकायत की थी। और इसके साथ साथ जो यहाँ नगर निगम का जो तालाब है, इस तालाब को भी बांटा जा रहा है, इसी की को रुकवाने के संबंध में माननीय जिलाधिकारी जी से और ऊपर मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत की गई, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या लगता है, मतलब लगातार अभी भी काम जारी है इस पर? तो यही है कि इसमें कहीं ना कहीं ऊपर से ही इन लोगों का मिलीभगत है, जिसके कारण ये अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर प्रशासन से मेरी तो यही अपील है कि गाँव की समस्या को देखते हुए, समाज के लोगों को देखते हुए यहाँ का रास्ता खुलवाया जाए और इस तालाब को नगर निगम द्वारा इसका सौंदर्यीकरण करा के इसको अपने कब्जे में लिया जाए। कितने लोगों का वो आवागमन है, आने जाने का रास्ता होगा जिसे बंद कर दिया ये गया? ये सारी लाकड़ी की ही पूरी आबादी है, जिसमें लगभग 10-12 हज़ार लोग यहाँ निवास करते हैं, जिनका यहाँ से आना जाना लगातार बना रहता है। अच्छा, क्या है, क्या समस्या थी जो अभी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, क्या मामला है? जमीन को लेकर विवाद ये चल रहा है कि ये जो है जबरदस्ती मतलब जमीन हड़पना चाहता है, ये भूम माफिया तो है ही है और इसे रेटों में लेना चाहता है ग्राहक है, जो सरकारी रेट है वो तो देने दिया और जो मतलब 2 में 1.5 में के हिसाब से कह दिया है कि 2-1.5 लाख में दे दो और अब भागो यहाँ से। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है। कहाँ पर है? वहीं पर ही है, बाउंड्री के अंदर। बाउंड्री के अंदर। तो आपको आने जाने में दिक्कत होती है? नहीं, हाँ आने जाने में दिक्कत नहीं, रास्ता बंद कर रखा है। क्या कहा है, क्या कोई बात हुई है, किसी से शिकायत की है आपने? बात ये हुई है कि या तो 2-1.5 लाख में भेज दो और नहीं तो तुम्हारा आना जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, तुम हेलीकॉप्टर से आइयो फिर अपनी जमीन पे। अच्छा, हाँ ये कहता। क्या नाम है, कौन है? लोहिया विराज जी, लालू विकास। जबरदस्ती हत्या ली है? जबरदस्ती हत्या। कोई रजिस्ट्री कराई आपने? नहीं नहीं, कोई 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 वो नहीं है। बेची है आपने? नहीं, अभी नहीं बेची मैंने। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जो सरकारी रेट है वो मिलना चाहिए।